देखिए, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी इस वक्त ताइवान में है और ताइवान बॉर्डर पर चीन ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। देर रात चीन की सेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने युद्धाभ्यास किया ताइवान सीमा के पास। समुद्री इलाके में चीन के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। हम आपको देर रात की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को आप देखिए और किस तरह से चीन और ताइवान अब आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि चीन लगातार नैंसी पेलोसी की इस यात्रा का विरोध कर रहा था और अपने बयानों के जरिए अमेरिका को यह संदेश दे रहा था कि अगर ये यात्रा होती है तो ये यात्रा कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा खटास से भर देगी। लेकिन नैंसी पेलोसी की यात्रा रुकी नहीं, हालांकि शुरुआत में बाइडेन की तरफ से संकेत दिए गए थे, क्योंकि अमेरिकी सेना का मानना था कि नैंसी पेलोसी की जो यात्रा है वो दोनों देशों के संबंधों पर असर डाल सकती है और वही सब कुछ होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। क्या ताइवान को लेकर भिड़ेंगी दो महाशक्तियां? क्या चल रहा है चीन के दिमाग में? क्या युद्ध का एक और फ्रंट खुलने वाला है? चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है। जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि आज नहीं तो कल ताइवान चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। तो क्या जंग की वो घड़ी नजदीक आ गई है? नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह से भड़क गया है। ताइवान के चारों ओर युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया, उसी की ये पहली तस्वीर सामने आई है। जिनपिंग की लाल सेना ताइवान के सीमा के नजदीक ताकत दिखा रही है। इस युद्धाभ्यास में चीन के किलर हथियार आसमान में गरज रहे हैं। चीनी सेना के मुताबिक गुरुवार से रविवार तक ताइवान के आसपास के 6 क्षेत्रों में जरूरी मिलिट्री ड्रिल करेगा, इसमें लाइव फायर ड्रिल भी शामिल होगी। चीन का ये शक्ति प्रदर्शन अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यासों में से एक है जो 4 दिनों तक चलेगा। पिछले 7 दिनों के अंदर ताइवान सीमा के पास चीन का ये दूसरा युद्धाभ्यास है। तो ये देखिए, चीन ने नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के लिए उसको रद्द करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। टैंक से लेकर मिसाइल तक तैनात कर दिए गए थे, लेकिन अमेरिका ने चीन की हेकड़ी निकाल दी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चीन ने नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि वो उस दौरे को रद्द कर सके। चीन की धमकियां बेअसर साबित हुई। नैंसी पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर ड्रैगन की हेकड़ी निकाल दी। चीन ने हमले की धमकी दी थी, लिहाजा आसमान से जमीन तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। खतरे को देखते हुए विमान लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट पर अंधेरा कर दिया गया था। अंधेरे में ही विमान की लैंडिंग हुई। अंधेरे में ही नैंसी ने ताइवान की धरती पर कदम रखकर चीन को सीधी चुनौती दी है। नैंसी के साथ अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी ताइवान पहुंचा। नैंसी के स्वागत के लिए ताइवान राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर मौजूद थी। अंधेरे में नैंसी की लैंडिंग को लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तंज कसा है। मंगलवार की रात अमेरिकी संसद के स्पीकर नैंसी पेलोसी ने चोर की तरह चीनी द्वीप में ताइवान में कदम रखा है। दौरे से पहले चीनी मीडिया ने अमेरिकी प्लेन मार भगाने की धमकी दी थी। चीनी खतरे को देखते हुए नैंसी पेलोसी ने विमान को लंबे रास्ते से होकर ताइवान पहुंचाना पड़ा। इस दौरे की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ताइवान के नजदीक 4 युद्धपोत तैनात कर रखे थे। नैंसी पेलोसी के विमान के साथ भी 8 अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। ये विमान नैंसी के विमान के साथ सुरक्षा घेरा बनाकर चल रहे थे। चीन की धमकी के मद्देनजर आधुनिक हथियारों से लड़ाकू विमान पूरी तरह से अलर्ट पर थे। जमीन से आसमान तक बने सुरक्षा घेरे के बीच नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। अमेरिकी संसद के स्पीकर ने जो कहा वो किया। अब सबकी नजरें जिनपिंग पर टिकी हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।